स्वागत है आपका। IPL 2020 को लेकर लगातार बड़ी बड़ी अपडेट्स जो है वो निकल कर आ रही हैं सभी टीमों के लिए, जहां पर कुछ अच्छी खबरें तो कुछ बुरी खबरें भी जो है वो टीमों को मिल रही है। यहां पर दोस्तों बात करेंगे हम उन चार टीमों की जिनके लिए बुरी खबर जो है वो निकल कर आ रही है IPL 2020 से पहले। तो दोस्तों कौन सी हैं वो चार टीमें और क्या है यहां पर खबर, बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप भी IPL के फैन कर रहे हैं IPL 2020 का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आप किसे सपोर्ट करने वाले हैं IPL 2020 में, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। यहां पर दोस्तों लिस्ट में सबसे पहली जो टीम है वो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। एक बहुत ही बड़ा झटका दिल्ली कैपिटल्स को जो है अभी यहां पर रिसेंटली लगा है, जहां पर आपको बता दें कि क्रिस वोक्स जिन्हें इन्होंने 1.5 करोड़ रुपीज में खरीदा था, बहुत ही बढ़िया इंग्लैंड के ऑलराउंडर है, उन्होंने यहां पर IPL 2020 खेलने से मना कर दिया है। यहां दोस्तों क्रिस वोक्स ने अपना नाम वापस ले लिया है IPL 2020 से। दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ही बड़ा झटका जो है यहां पर लगा है। उन्होंने दोस्तों टेस्ट के लिए अपने आप को फिट रखने के लिए यहां पर IPL 2020 खेलने से मना किया है। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि ईशांत शर्मा पहले ही IPL 2020 की स्टार्टिंग से बाहर हो चुके हैं इंजरी के कारण। तो यहां पर फास्ट बॉलिंग जो है थोड़ी सी यहां पर कमज़ोर दिल्ली कैपिटल्स की नज़र आने वाली है। रबाड़ा भी आपको बता दें कि यहां पर स्टार्टिंग ऑफ द IPL से बाहर हो चुके हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक के बाद एक बुरी खबर निकल कर आई है, और जो रिसेंट बुरी खबर है वो है दोस्तों क्रिस वोक्स को लेकर। IPL 2020 से क्रिस वोक्स ने अपना नाम जो है पूरी तरीके से वापस ले लिया है। लिस्ट में दूसरी टीम है दोस्तों किंग्स इलेवन पंजाब की टीम। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को भी बड़ा झटका जो है वो लगा है इनके ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल भी IPL 2020 की स्टार्टिंग से जो है वो बाहर हो चुके हैं। यहां पर कंफर्म न्यूज मिल चुकी है कि IPL 2020 की स्टार्टिंग में हमें ग्लेन मैक्सवेल नजर नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही बुरी खबर जो है वो आई है किंग्स इलेवन पंजाब के लिए। बात करें तीसरी टीम की, तो तीसरी टीम जो है लिस्ट में वो है दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम। और RR के सबसे मेन फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर जो हैं पूरी तरीके से IPL 2020 से बाहर हो चुके हैं। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम को भी बड़ा झटका IPL 2020 से पहले लगा है। और लिस्ट में दोस्तों चौथी टीम है यहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम। चेन्नई सुपर किंग के लिए भी यहाँ पर डाउट बने हुए हैं यहाँ पर दीपक चहर को लेकर। आपको बता दें सभी इंजर्ड प्लेयर जो है वो मैक्सिमम हमें DY पाटिल ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं IPL 2020 से पहले, लेकिन दीपक चहर जो है DY पाटिल ट्रॉफी भी नहीं खेल रहे हैं। और अभी तक डाउट बने हुए हैं कि वो IPL 2020 की स्टार्टिंग से पहले पूरी तरीके से फिट हो पाएंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों इन चार टीमों के लिए बुरी खबर जो है वो निकल कर आ रही है, जहां पर सबसे बुरी खबर जो है वो आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, अपडेट आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।